स्टूडेंट, तो आज जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो जो लैपटॉप या डेस्कटॉप रिपेयर करना जा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बढ़िया ये वीडियो बनेगा, ठीक है। तो ये है जेब्रोनिक्स का मदरबोर्ड, ये पूरा सेटअप है, सब कुछ रैम पल्सर फैन वगैरह सब कुछ लगा है। तो इसका अब जो बनेगा वीडियो, तो ये चिप है, ठीक है। तो अगर कोई भी चिप, ये भी एक चिप है, ये भी एक चिप है, साउथ ब्रिज है, नॉर्थ ब्रिज है, कोई भी चिप तो शॉर्टिंग होगा तो कैसे पता चलेगा कि चिप शॉर्टिंग है। तो नॉर्मली जो चिप प्रॉब्लम होता है तब तो यहाँ पे उंगली नहीं रख सकते, मान के चलो या 2 से 3 सेकंड रख सकते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पे उंगली नहीं रख सकते। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है, क्या बोर्ड का जो चिप होता है वो शॉर्टिंग है, ठीक है। तो और भी टेस्ट है तो आज वो दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो इस बोर्ड में हम चेक करेंगे, और पहले हम दिखा देते हैं कि बोर्ड का कंडीशन क्या है और क्या फॉल्टी है। इसका बोर्ड का जो फॉल्टी है, ये यूएसबी नॉट वर्किंग कंडीशन में, कोई भी यूएसबी काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसका डिस्प्ले कंडीशन ओके है, यूएसबी छोड़ के सब काम सही से कर रहा है। तो एक बार चलो देख लेते हैं कि ये कितना सही कंडीशन में है, ठीक है। तो इसका मैं अभी पावर दिया, ठीक है, यहाँ पे कार्ड देख सकते हो, कार्ड में भी रीडिंग आएगा, ठीक है। स्टैंड बाई वोल्टेज आ गया है, अब इसको टिकट दे रहा हूँ, देखिए कोडिंग देखिए, तो कोडिंग जो समझते हो उसका कोडिंग देख के पता चल जाएगा कि बोर्ड का कंडीशन क्या कैसा टाइप का है, ठीक है। तो डिस्प्ले अभी तक नहीं आया, देखिए ये डिस्प्ले आ गया है, कंडीशन जो है ऐसा टाइप का है। तो यहाँ पे कोडिंग घूम के 0-0 आ गया है, तो 100% ये ओके दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो चिप है, ये चिप शॉर्टिंग है, तो कैसे पता चले कि ये चिप शॉर्टिंग है, चलो दिखा देते हैं अभी। देखिए यहाँ पे मैं थिनर फिर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया हूँ, और थोड़ा सा थिनर लगा दूंगा इस चिप पर, तो कैसे पता चलेगा चिप शॉर्ट है। तो देखिए नॉर्मल थिनर तो ये लगा है, जब लाइन देते ही देखिए, मैं अभी टिगर नहीं किया हूँ, गौर से देखिए, मैं अभी टिगर नहीं किया हूँ, देखिए ये यहाँ पे से ओनली स्टैंड बाई वोल्टेज आया है, और यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग हो रहा है, ठीक है, पूरा सूख जा रहा है। तो इसका जो चिप है ये गर्म भी हो रहा है, देखिए बहुत गर्म हो रहा है, अभी इसको ऑन नहीं किया हूँ, फिर भी यहाँ पे देखिए पूरा हीट हो रहा है, ठीक है। मैं देखिए मैं इसका पावर बंद कर दे रहा हूँ, तो देखिए मैं इसका पावर बंद कर दिया हूँ, अब देखिए अब कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं सूख रहा है इस पर। जब भी इसको मैं पावर स्टैंड बाई वोल्टेज दे रहा हूँ, देखिए स्टैंड बाई वोल्टेज देते ही इसका चिप जो है पूरा सूख जा रहा है, तो इसका अंदर में शॉर्ट है, ठीक है। और जब मैं इसका ट्रिगर कर रहा हूँ तो यहाँ पे उंगली नहीं रख सकता, इतना भी हीट हो रहा है, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ ऑन करके, देखिए ट्रिगर दिया, कितना जल्दी हीट हो रहा है अभी। तो आप लोगों को समझ में आ गया है, तो नॉर्मल जो ये चिप शॉर्ट होगा तो यहाँ पे उंगली नहीं रख सकते 1 से 2 सेकंड के बाद, ठीक है। और ये जो एक टेस्ट है, ये टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि ये चिप शॉर्ट है, ठीक है। ये बोर्ड जो वर्किंग कंडीशन में है परंतु इसका यूएसबी नॉट वर्किंग पे है, तो ऐसे ही पता चल जाता है कि चिप शॉर्टिंग वगैरह कुछ है, ठीक है। तो वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।